सत्यं यो नववृत्त काव्य रचने सत्कालिदासायतः लालित्ते शुभदण्डिनं विजयते माघायतः सौभगे धन्योयं धनदेव वाणिधन्पो विन्वे सुधी मानितः जीयाच्छ्रीवर चारुदेव तनुजः सत्यवृताख्यः कविः। हमारा भारत देश अनंत काल से ऋषियों का, महर्षियों का, मनीषियों का, विद्वज्जनों का देश रहा है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज एक ऐसे ही मनीषी ऋषि, संस्कृत के लब्ध प्रतिष्ठ गुणी चिंतक, विचारक, लेखक हमारे बीच में उपस्थित हैं बात करने के लिए। आपने संस्कृत भाषा के माध्यम से भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सुशोभित किया है। पुरस्कारों का कद उनके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है, आपका ऐसा व्यक्तित्व है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, राष्ट्रपति सम्मान, पद्म भूषण सम्मान समेत 100 से ज़्यादा सम्मानों से उनको सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ, आज हम दिल की बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार हमसे बात करने के लिए, और आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया। हमारा बहुत सौभाग्य है, हिंदी खबर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले तो मैं इस वार्ता को आगे बढ़ाऊँ, उससे पहले मैं आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहूँगी कि आपका जो शैशवकाल है, बचपन है, और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ पर हुई, कैसे इस यात्रा का जो प्रथम पड़ाव है वो कैसे शुरुआत हुई इसकी। मेरा जन्म लाहौर में हुआ। मेरे पिताजी वहाँ एक कॉलेज में प्राध्यापक थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण के विशेष रूप से। तो उनकी एक इच्छा थी कि मैं भी उन्हीं की तरह से एक व्याकरण बनूं। तो प्रारंभ से ही उन्होंने मुझे संस्कृत सिखाने शुरू कर दी। मैं अभी कोई 5-6 वर्ष का ही था, तो वो मुझसे संस्कृत में बात करते थे और मैं भी संस्कृत में उत्तर देने का प्रयास करता था। हर समय वो मुझे अपने ही साथ रखते थे, खाते पीते टहलते, प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए जाते थे तो वो धातु रूप नाम रूप मुझे रास्ते में समझा जाते थे। तो कभी कभी मुझे लगता था कि वातावरण बोझिल हुआ जा रहा है, मैं बच्चा था तब तो। लेकिन फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया, तो मेरे प्रथम शिक्षक वही थे, पिताजी थे। तो फिर मैं एक स्कूल में प्रविष्ट हुआ, चौथी क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। फिर पिताजी ने मुझे वहाँ से हटा दिया और घर में ही मुझे पढ़ाने लग गए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी पहला जो प्रकाशन था वो 12 वर्ष की उम्र में। जी हाँ, वो इस तरह का था कि मुझे आदत थी, क्योंकि पिताजी ने प्रारंभ से ही मुझे संस्कृत संभाषण में दक्ष बना दिया था, तो इसलिए मैं उनसे जो बात करता था तो वो संस्कृत में करता ही था, और कभी कभी संस्कृत पद्यों में भी करने लग जाता था। एक बार की बात है कि हम लोग अपने गाँव में थे, पैतृक गाँव में, और पिताजी ग्रीष्मावकाश बिताने के लिए वहाँ पर चले जाया करते थे। तो वो पैतृक गांव हमारा इधर ही था, पूरे पंजाब में ही। तो पिताजी केवल अपने सर्विस के प्रसंग से वहाँ लाहौर गए थे और वहीं मेरा जन्म हुआ था, जैसे मैंने अभी कहा। तो उस समय की बात है, तो मुझे पिताजी ने कहा कि वहाँ पर कुएँ होते थे और सब नल इत्यादि तो नहीं थे, तो मुझे कहा कि कुएं में से वहाँ जा कर के जल ले आना। मैं जल लेने के लिए निकला। रास्ते में मैंने देखा गलियों में कुछ लोग एकत्रित हुए हुए थे, तो मैंने कहा कि क्या बात है। तो कह लगे कि जब उनके कुछ लोगों का आपस में झगड़ा हो गया है, तो बाल सुलभ कौतूहल वश जो है मैं कुछ समय के लिए वहाँ पर रुक गया। और फिर इसके बाद मुझे लगा कि जल लाने में देरी हो रही है, तो मैं वहाँ से कुएं से जल लिया और जल लेकर के घर की ओर आया। तो पिताजी ने मुझसे पूछा कुतस्ते विलंबः, संस्कृत में ही बात, कुतस्ते विलंबः। तो अब
मुझे अभी तक याद है एक दो पंक्तियाँ, मैं मुनि को यहाँ पर उद्धृत करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, प्रतुल्यां महान लोक सम्मर्थ आसीत अतस्तात जातो महान मे विलंब, अतस्तात जातो महान मे विलंब। जो भी मैंने घटना देखी थी वो सारी की सारी घटना संस्कृत श्लोकों में मैंने वर्णन कर दी, और हर श्लोक के अंत में केवल ये एक राइम से बनती, अतस्तात जातो महान में विलंब है। यही कारण है कि मुझे आने में बहुत विलंब हो गया। तो ये मेरे यानी प्रारंभिक जीवन के यानी एकाद संस्मरण हैं, और क्योंकि मैं संस्कृत श्लोकों की तत्काल रचना करने लग गया था तभी नौवें या दसवें वर्ष में रहा हूँगा उस समय। फिर जब मैं कोई 11 वर्ष का हुआ तो मैंने एक संस्कृत में कविता लिखी, मेरी सबसे पहली प्रकाशित रचना वही है। वो जयपुर से तब एक संस्कृत पत्रिका निकला करती थी, इसका नाम था संस्कृत रत्नाकर। तो उसके यशस्वी संपादक थे वहाँ उपाध्याय भट्ट मथुरनाथ शास्त्री। तो उन्होंने अपने संपादकीय टिप्पणी में मेरी उम्र का भी उल्लेख किया कि ये कविता मैंने तब 12 वर्ष के लिए उन्होंने लिखा है कि द्वादश वर्ष का जब मैं था तो उस द्वादश वर्ष के बालक ने लिखी है। तो मैंने लगभग 11 या 11.5 वर्ष की अवस्था में वो प्रकाशन के लिए भेजी होगी, और तब 12 तो नहीं बल्कि उससे भी कम उम्र थी, लेकिन उन्होंने 12 वर्ष लिखा है कि ये 12 वर्ष के बालक ने कविता लिखी है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक बालक के लिए उस प्रतिष्ठित पत्रिका में मेरी रचना का स्थान पा जाना। वहाँ से जो मेरी काव्य यात्रा प्रारंभ हुई, फिर अनेक खंड काव्यों, महाकाव्यों, प्रबंध काव्यों से होती हुई आज एक विश्व काव्य नाम के नाना खंडों के महाकाव्य की ओर अग्रसर हो चली है। आपके पिताजी ने शायद आपको काव्य से दूर रखा, उनको था कि आप व्याकरण और दूसरी विधाओं के लेखन में आप ज्यादा रहे, लेकिन आपके ऊपर काव्य का पूरा प्रभाव, इसका क्या कारण था कि काव्य? मैं समझता हूँ पूर्व जन्म का संस्कार ही कहा जा सकता है इसे, क्योंकि उन्होंने वो स्वयं भी कभी तो थे नहीं, व्याकरण थे और एक व्याकरण बनाने की ही उनकी इच्छा थी अपनी तरह का ही। मैं उस तरह का बन सका या नहीं बन सका ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उनकी इच्छा अवश्य थी। वो व्याकरण में विशेष करके पाणिनी व्याकरण में उनका अद्भुत पांडित्य था। उनके जो प्रशंसक थे वो उन्हें अभिनव पाणिनी कहा करते, मॉडर्न पाणिनी। तो अब एक उन जैसे प्राचीन काल के जो पंडित होते हैं तो उनकी अपनी अपनी एक विचित्र धारणाएं होती हैं। तो उनकी एक ये भी धारणा थी कि हमारे जो संस्कृत काव्य हैं उनमें रसराज बहुत अधिक है, तो इसलिए बालक को उससे दूर रखना चाहिए। तो ये भी कारण था। तो उन्होंने काव्य की ओर उनके मुझे कभी प्रेरित किया नहीं, मैं स्वतः उधर प्रवृत्त हो गया। और मैंने फिर अनेक काव्यों की रचना की। एक और भी बात थी, यानी जब मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये 1968 की बात है, तब अनेक अभिनंदन समारोहों का आयोजन हुआ। तो एक अभिनंदन समारोह यहाँ पर खालसा कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, तो उसमें मैंने आयोजित किया गया। उस समय मेरे पिताजी ने तो उनको भी वहाँ निमंत्रित किया गया था, एक रहस्य का उद्घाटन किया जिसका कि मुझे तब तक स्वयं को भी नहीं पता था। अच्छा। उन्होंने कहा कि जब मैं अभी गर्भस्थ ही था तो उन्होंने मेरी माता जी को संपूर्ण वाल्मीकि रामायण को सुनाया था। अच्छा। ये जो हमारे जो संस्कारी परिवार में उनमें एक परंपरा है कि जब बच्चा गर्भस्थ होता है तो किसी न किसी धर्म ग्रंथ का पाठ किया जाता है, ताकि जो एक्सपेक्टेंट मदर है तो उसके गर्भ में जो शिशु है उसको अच्छे संस्कार प्राप्त हो सके, तो वो
कभी तो गीता सुनाई जाती है, कभी भागवत सुनाया जाता है, कभी तो मेरे पिताजी ने रामायण, वो राम के भक्त थे, तो उन्होंने संपूर्ण रामायण, वाल्मीकि रामायण का सातों के सातों कांडों मेरी माता जी को सुनाया। माता जी तो कोई पढ़ी लिखी थी नहीं, अक्षर ज्ञान भी नहीं था। अच्छा। वो सुनती रहती थी, वो अपना पिताजी बाँचते रहते थे, तो कदाचित ये उसका भी प्रभाव रहा होगा मेरे पर, कि क्योंकि वो कहा है रामायण में स्वयं ही पठन द्विजो वा गृषभत्वमीयात, जो भी एक द्विज है वो यदि इसका पाठ करेगा, रामायण का पाठ करेगा, तो वाग्रीव वाणी का स्वामी बन जाएगा। तो आपने जो अभी संस्मरण अभी सुनाया, तो उससे इस बात की भी पुष्टि होती है कि जो गर्भकाल में जिस प्रकार का वातावरण होता है, या जो सात्विकता, जिस जो अध्ययन भोजन, उसका वैज्ञानिक ये प्रमाण है, प्रमाण है, पूरी तरह से प्रमाण है जो हमारे 16 संस्कार। तो अब अच्छा, फिर ये कोई आकस्मिक नहीं है कि रामायण की ओर ही मेरी विशेष प्रवृत्ति हुई। मेरा जो सबसे पहला प्रमुख ग्रंथ, समालोचना समीक्षात्मक ग्रंथ, वो था, अंग्रेजी में मैंने लिखा था, द रामायण इन लिंग्विस्टिक स्टडी, रामायण का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, वो मानक ग्रंथ है। और न केवल वाल्मीकि रामायण का ही, अभी तो संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में किसी भी ग्रंथ का सबसे पहला इदम प्रथमा भाषा शास्त्रीय अध्ययन हुई, वो एक आदर्श ग्रंथ बना, उसी को सामने रख करके अनेक विद्वानों ने फिर अनेक ग्रंथों के भाषा शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किए, भागवत पुराण लिंग्विस्टिक स्टडी, ब्रह्मांड पुराण लिंग्विस्टिक स्टडी, विदेशों में जो ब्रॉकिंगटन इत्यादि विद्वान हैं ब्रिटेन के, और सब लोगों ने जो है पर इस ग्रंथ का स्थान स्थान पर उद्धरण किया। यहाँ तक है कि वो जनता को इतना भा गया, इसका एक संस्मरण मैं आपको सुनाता हूँ। ये बात है 1964 या 65 की, तब इटली में टोरिनो एक स्थान है, तो वहाँ पर विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो मैं उस समय वहाँ पर उपस्थित हुआ, तो तब यह ग्रंथ मेरा प्रकाशित हुआ ही था, तो इसके एक प्रति में साथ में लेता गया, वहाँ जो विद्वान एकत्रित होंगे उनको दिखाएंगे। एक जब युवा लेखक होता है तो उसके मन में एक ललक होती है, उसकी कृति को लोग देखें, पहचानें, और यदि उनको अच्छा लगे तो अपने भाव भी अभिव्यक्त करें, तो इसी दृष्टि से मैं उसके प्रति अपने साथ लेता गया था। सम्मेलन का पहला दिन था, तो मेरे हाथ में एक पुस्तक थी, तो एक विदेशी विद्वान मुझे मिल गए और मेरे परिचित नहीं थे, तो मेरे हाथ में पुस्तक देखकर वो कह लेंगे क्या है, मैंने कहा ये रामायण का भाषा शास्त्रीय अध्ययन है, मैंने प्रस्तुत किया है, तो कह लेंगे कहना ही है वे लोकेटेड, मैंने कहा ठीक है आप देखिए, मैं लाया इसलिए था विद्वानों को दिखाने के लिए, तो उसे देख करके उन्होंने मैंने उसे दे दिया, तो उसे देख कर कहने लगे कि कहना ही है कॉपी इफेक्ट की, मैंने कहा मेरे पास एक यही प्रति है और ये सम्मेलन 5 दिन तक चलना है, और मैं और भी विद्वानों को इसको दिखाना चाहूँगा, इसलिए यदि आपको चाहिए तो अंतिम दिन में मैं आपको दे सकता, तो कहने अच्छा। दूसरे दिन फिर वो विद्वान मुझे मिल गए और वो मुझे कहने ये देखिए मैं सारी रात सो नहीं सका, मुझे ये पुस्तक चाहिए, मैंने कहा ये लीजिए तुरंत, आपसे बढ़कर के और कोई अधिकारी विद्वान इस तरह का नहीं हो सकता जो कह रहा है, जो इस प्रतिबंध को ले। तो मैंने उनको पुस्तक दे दी, तो कहने इसका मूल्य, मैंने कहा इसका मूल्य यही है जो आपने कहा कि आपको रात में नींद नहीं आई, तो फिर वो मैंने उन्हीं को दे दी, और इसके बाद उस वो बहुत चर्चित ग्रंथ हुआ, बल्कि पश्चिम के देशों में वो मेरी पहचान बन गई। जब कोई भी चर्चा होती है तो अच्छा सत्यव्रत शास्त्र वही रामायण लेखक इस रूप में, कवि के रूप में जो जहाँ भारत में मेरी ख्याति है, लेकिन वहाँ पश्चिम के देशों में इस ग्रंथ विशेष की दृष्टि से, यानी और भी अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन रामायण लिंग्विस्टिक स्टडी जो है वो मुझे अमर कर गया। तो
एक ये बात, दूसरी एक बात और सुनाता हूँ आपको। दूसरी ये है, वो भी एक संस्मरण है, वो भी मेरी विश्व संस्कृत सम्मेलन से ही संबद्ध है। तो मैं उसमें भाग ले रहा था, तो उसमें ये बात मैक्सिको की है। तो मेरा विषय था संस्कृत के पर्यायवाची शब्द। मेरी ये मान्यता रही है कि जिन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है वो स्वतः पर्यायवाची होते नहीं हैं, उनमें एक सूक्ष्म अर्थभेद रहता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसको कई बार जो है वो दृष्टि से ओझल कर दिया जाता है और उन शब्दों को जनमानस उनको पर्यायवाची बना दिया जाता है। तो मैंने वहाँ अपना निबंध प्रस्तुत किया, केवल 20 मिनट का समय होता था प्रस्तुति के लिए, 10 मिनट होता था प्रश्नोत्तर के लिए। अच्छा, मैंने जब अपना मत प्रस्तुत किया तो वो पूरा सम्मेलन जो है वो दो हिस्सों में बट गया। इसमें से कुछ विद्वान तो जो है वो मेरे मत का समर्थन कर रहे थे और कुछ विरोध कर रहे थे। जो समर्थन कर रहे थे उनमें डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी, प्रोफेसर ए के वार्डर और प्रोफेसर ऑस्कर बोतो, ये इस तरह के बहुत सारे विद्वान थे। जो विरोध कर रहे थे उनमें डॉक्टर राघवन थे, एक डॉक्टर इंसलर थे, इस तरह के। और वो विचार विमर्श चलता रहा। वो 10 बजे मेरी निबंध की प्रस्तुति थी, 1 बजे सारे कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल अपसेट हो गया उस प्रस्तुति के कारण से जो है। और 1 बजे जाकर के सारी चर्चा समाप्त हुई और मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विद्वान बन गया। उस एक पत्र की प्रस्तुति के कारण से। उसका अंत कैसे हुआ जो अब वो मैंने यहाँ तक था कि मैंने उसमें यह कहा, मैंने कहा कि मैंने तो कई बार एक निदर्शन भर यहाँ पर प्रस्तुत किया है, मेरे पास पर्याप्त सामग्री है। और मैंने तब उपसंहार में ये कहा, मैंने कहा कि आई एम मटीरियल सफिशेंट अनाफ यू नो टू प्रिपेयर ए मोनोग्राफ ऑन इट। तो प्रोफेसर वही ए के वार्डन ने अपने वक्तव्य में कहा, कहने लगे कि द होल लाइफ आई हैव बीन होल्डिंग द व्यू that there are no two synonyms in any language including Sanskrit. और कहेंगे पर मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था इस बात का, इन्होंने प्रमाण उपस्थित किए हैं। और इन्होंने ये कहा है अपने वक्तव्य के अंत में, that he has material sufficient enough for a monograph. तब वार्डर साहब ने कहा, वो शब्द थे बहुत मार्मिक शब्द थे, और उन्होंने ये कहा, कहने लगे कि इन्होंने कहा है कि द मटेरियल इज सफिशिएंट एनफ फॉर मोनोग्राफ, मोनोग्राफ इज अ स्मॉल वर्क एंड आई वांट हिम टू राइट अ बिग एंड बिग वर्क एंड आल्सो आई वांट दैट आई शुड लिव लॉन्ग एनफ टू सी दैट वर्क इन प्रिंट। तो ये था इस तरह का मैंने। और हुआ क्या, ये मेरा इसमें मेरी प्रवृत्ति किस तरह से हुई, वो रामायण के ही माध्यम से हुई थी। रामायण में अनेक स्थानों पर उन तथा कथित शब्दों का सह प्रयोग किया है वाल्मीकि ने। ताम विनाथ विहंगो सब पक्षी, विहंग और पक्षी दोनों को एक साथ प्रयुक्त कर दिया। निश्चित है वो दोनों पर्यायवाची हो नहीं सकते, एक विशेषण होगा, एक विशेष होगा। इसी तरह से एक बार मैं ये अमरकोश पढ़ रहा था, तो अमरकोश में एक पंक्ति है वो तिलक के विषय में, कोशकार ने कहा है कि तमालपत्र तिलक चित्रकान विशेषकम, इनको पर्यायवाची शब्द बना दिए, सभी सब पर्यायवाची शब्द हैं। इस पर क्षीर स्वामी जो टीकाकार हैं अमरकोश के, तो उन्होंने ये लिखा है,
कि तमालपत्र आकृति तमालपत्रम, ये सब तिलक हैं, ये फॉरेड मार्क्स, लेकिन तमालपत्र की आकृति का जो तिलक है उसको तमालपत्र कहते हैं, तमालपत्र आकृति तमालपत्रम, तमालपत्र तिलक तिलाकृति तिलकम, तिलक इतनी आकृति का इसलिए तिलक कहते हैं उसको। अब आपको समझ आई रहस्य उद्घाटन हुआ ना, तिलाकृति तिलकम, तिलक नीचे से ऊपर, तिलक इतना तिलक, तमालपत्र तिलक, चित्रकाणी चित्रकाणी चित्रकम, नाना वर्षम नाना वर्णम, अनेक प्रकार के रंग का होता है। कई बार आप देखते हैं गोल लगाते हैं, फिर पहले लाल, फिर बीच में हरा, फिर इसके पीला, तो इस तरह का चित्रकम नाना वर्णम। फिर विशिनष्टि इति विशेषकम, जो कि आपको अलग करता है दूसरों से, वो विशेषक है। जैसे संप्रदाय के चिन्ह होते हैं, लंबा ये वैष्णवों का है, शैवों का है, त्रिपुण का है, ये सब इस तरह के जो होते हैं, जो वो जैसे आयर्स अयंगार्स ये उस तरह के जो हैं वो विशेषक हो गए। इसके बाद एक पंक्ति आती है, इत्थम तिलक भेदा ये थे, ये सभी सभी भिन्न भिन्न प्रकार के तिलक हैं। पर्यायत्वंतु अधूर प्रकर्षा, पर्याय इसलिए कि वो अर्थ में एक दूसरे से बहुत निकट है, तो सभी फॉरेड मार्क्स हैं। देर बींग द फॉरेड मार्क्स नो दे आर पुट बाय द लेक्सिकोग्राफर्स एज सिनोनिम्स, कोशकारों ने पर्यायवाची के रूप में उनका उल्लेख कर दिया। एक और बात बताता हूँ अपने उदाहरण के बाद, मैं आपको उदाहरण और दे रहा हूँ। एक पाणिनि का सूत्र है, क्रुद्ध ईर्ष्या सूयार्थानां यम प्रतिकोपः, तो उसमें महाभाष्यकार ने यह प्रश्न वहाँ पर उठाया है कि क्या ये सारे समानार्थक हैं या भिन्नार्थक हैं, किमुत एते समानार्थकः उत नानार्थकः। तो फिर ये कहते हैं कि नानार्थ अस्तु तरह नानार्थ का निष्कर्ष रूप में सारा विचार विमर्श करने, अस्तु तरह नानार्थ का, इनका अर्थ अलग अलग हैं। फिर कहा कि वहाँ पर पाणिनि ने क्रुद्ध का भी प्रयोग किया है, कोप का भी किया है, क्रुद्ध द्वेषा सुयार्थानम यम प्रतिकोप है, क्रुद्ध और कोप है। फिर एक पंक्ति आती है जो चमत्कार पंक्ति है, नहीं अकुपित क्रुध्यति, कुपित हुए बिना क्रुद्ध नहीं होता व्यक्ति, नहीं अकुपित क्रुध्यति, क्योंकि कार्य कोप अंतरो धर्म क्रोध चक्षु रागादिना परिदृश्यो बाह्य, कोप अंतर है, तो कोप इज एन इंटरनल फिनोमेना, आप कुपित हैं ये बाहर नहीं दिखाई दे पाता है, कई बार क्रोध बाहर क्रोध आ जाए, क्रोध है चक्षु रागादिना, आँख लाल हो जाती है, भमे तन जाती हैं, तो वो क्रोध तो कुपित है, ये कोप है, कोप अंतरो धर्म है, क्रोध है बाह्य, बाह्य है बहिरंग है, जो कि चक्षु राग यानी आँख के लाल और चक्षु राग आदिना और भी इसके शारीरिक लक्षण उनसे परिदृश्य दिखाई दे जाता। अब कोप और क्रोध का अंतर आपको स्पष्ट होगा, ये सारी बात हुई इस तरह के, भाई वो तो मैंने केवल आपको दो तीन उदाहरण दिए। तो ये सारा जो है ये जब मैंने वहाँ पर प्रस्तुत किया विद्वानों के सामने, विद्वान चमत्कृत थे, और मैंने कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सप्रमाण कह रहा हूँ, नामूलम लिखे थे किंचित नान अपेक्षित उच्चते, जैसे मल्लिनाथ ने अपनी टीका के विषय में कहा कि बिना कोई मूल के प्रमाण के मैं कोई बात कहता नहीं, और जो अनपेक्षित है अनावश्यक है वो भी नहीं कहता। तो मैं जो भी बात कह रहा हूँ मेरे पास प्रमाण है उसका। अभी आपने विदेश, मैं तो इस विषय पर कितना ही कह सकता हूँ, तो इसलिए मैं अपने आपने विदेशों के रिस्ट्रेन करना पड़ेगा अपने जी। विदेशों के दो संस्मरण आपने अभी बताए, तो मैं अभी इस विषय पर थोड़ा सा बात करूँगी। विदेश में आपने बहुत अध्यापन कार्य किया और वहाँ के बारे में लेखन कार्य भी बहुत हुआ। यहाँ कुछ पुस्तकें हैं जो थाईलैंड से संबंधित, वहाँ से ब्राह्मण्स ऑफ थाईलैंड, श्राइन्स ऑफ थाईलैंड, ओल्ड ब्राह्मणिकल श्राइन्स ऑफ थाईलैंड, संस्कृत इंस्क्रिप्शंस ऑफ थाईलैंड,
और ये श्री राम कीर्ति महाकाव्यम, ये तो आपका महाग्रंथ है और थोड़ा थाईलैंड के प्रति आपका विशेष लगाव रहा और उस पर शायद लेखन भी बहुत हुआ और वहाँ की महामहिम सुश्री राजकुमारी चक्री जी आपकी शिष्या हैं, तो ये इस यात्रा का कैसे आरंभ हुआ, थाईलैंड के प्रति आपका कैसे झुकाव हुआ और इतना लेखन कार्य हुआ और आगे भी अभी चल ही रहा है? अब हुआ क्योंकि मैंने अपने जीवन का पर्याप्त तो भाग वहीं बिताया थाईलैंड में, और थाईलैंड में मेरी नियुक्ति हुई किस तरह से हुई मैं आज स्वयं भी नहीं जानता। अच्छा, ये रहस्य है और इस रहस्य का भेदन कर रहे हैं कि मुझे कभी आवश्यकता भी अनुभव हुई नहीं हुई, मैंने इसे उचित भी नहीं समझा। घटना ये यूरोप की है, मैं बर्लिन में था, वहाँ पर एक संस्था है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत भाषण के लिए आमंत्रित किया हुआ था, तो मेरे भाषण में उस समय के जो मूर्धन्य विद्वान थे वो सब उपस्थित होने वाले थे, प्रोफेसर वोल्फगांग मॉर्गन राथ और एक ऐसे विद्वान थे जिनके नाम पर वहाँ पर ही गली है, वो एक कहना चाहिए कि जीवित किंवदंती इस रूप में। तो मैं और भाषण का आयोजन ऑडिटोरियम में था और इंस्टीट्यूट और ऑडिटोरियम के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो एक छोटा सा रास्ता सा उसमें से होकर के हमें जाना होता था, तो मैं उस रास्ते पर जा रहा था। इतने में एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि आई एम फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बर्लिन एंड देयर इज अ टैलेक्स फॉर यू। टैलेक्स, उन्होंने टैलेक्स मुझे पकड़ा दिया, मैंने टैलेक्स को फोल्ड किया अपने पॉकेट पर रख लिया बिकॉज आई वॉज गोइंग टू डिलीवर ए स्पीच एंड वो मेरा भाषण था जिसमें कि मूर्धन्य शिखरस्थ विद्वान उपस्थित होने वाले थे और मैं उस समय कंपेरेटिवली यंगर था, तो आई वॉज अंडर ए लिटिल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अंडरस्टैंडेबली, तो मैंने कहा जो भी होगा उसको बाद में देखेंगे, पहले मेरा भाषण हो जाए। और मैं वहाँ पर गया अपने ऑडिटोरियम में, भाषण मेरा हुआ, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। जब मैं वहाँ से निकला फिर हमें उसी रास्ते से अपने इंस्टीट्यूट में वापस आना था, वहाँ पर सहभोज का आयोजन किया हुआ था। तो जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मुझे स्मरण आया कि एक व्यक्ति आया था, उसने कहा था मैं भारतीय दूतावास से हूँ और एक डायरेक्टर, तो देखें जैसे, तो मैंने अपने हाथ पॉकेट में डाला, ये मेरी दलपत्नी में साथ में थी, ये मेरे एक दो कदम पीछे थी, तो उन्होंने भी उचक के देखा कि क्या है, उसमें लिखा हुआ था कि योर नेम सजेस्टेड फॉर विजिटिंग प्रोफेसरशिप यानी एट बैंकॉक, कन्वे कंसेंट इमीडिएटली। अच्छा, अब मेरे जीवन का इतिहास रहा है और ये मेरा चिंतन इस तरह का रहा है कि जो भी कोई मेरे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनके लिए मैं अपने पिताजी से परामर्श करना चाहता। अब मैं तो सात समुद्र दूर था, तो कैसे मैं उनसे संपर्क कर पाता, वो आज की तरह से सुविधाएं तो नहीं थी, सब ईमेल और आज तो ये सब दूरभाष आदि भी हो जाते हैं और व्हाट्सएप और क्या क्या सब साधन हैं, तो उस समय कोई साधन थे नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि भारत सरकार यदि कोई बात कहती है तो वो एक तरह से एक नागरिक होने के नाते मेरे लिए एक आदेश है, तो एक मुझे उसको स्वीकार करना ही है। ये जब मैंने निर्णय कर लिया तो फिर मैं दूतावास में गया, उस समय के राजदूत थे एक्सल खान उनका नाम मुझे अभी याद है, और मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा कि ठीक है मेरी उसे स्वीकृति आप भिजवा दीजिए, और उन्होंने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, रात्रि भोजन के लिए भी मुझे निमंत्रित किया, हम लोग दोनों गए। तो अच्छा, अब ये उस जो पंक्ति है कि योर नेम सजेस्टेड फॉर विजिटिंग प्रोफेसरशिप एट बैंकॉक, किसने सजेस्ट किया मैं जानता नहीं और ना मैंने कभी खोजबीन करने का प्रयास किया, कहाँ से नाम आया क्या आया मैंने नहीं कभी जाना, मुझे पता नहीं। ठीक है, वो किसी नाम प्रपोज कर दिया,
और मुझे पता भी नहीं, आजकल तो 10 तरह का आएगा, सब इंटरव्यू होते हैं, अमुक है सब, मुझे कोई फीस नहीं पता क्या है क्या नहीं, और ना मैंने आज तक कभी जाना नहीं, प्रयास ही नहीं किया। फिर उसमें था कि वायर कंसेंट इमीजिएटली क्या तात्पर्य, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। फिर मेरा कार्यक्रम था वो पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस, उसको अटेंड करने के बाद आसपास के कई देशों में जाने का, किसी में 15 दिन मुझे रुकना था, किसी में 10 दिन, किसी में 1 सप्ताह, तो मैंने फिर सारे कार्यक्रम को संक्षिप्त किया। जहाँ 15 दिन रुकना था वहाँ पर उसको 7 दिन 8 दिन कर दिया, जहाँ 7-8 दिन था उसको 3-4 दिन के लिए कर दिया। सारा करते कराते मैं भारत में आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब मैं कार्यरत था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे लीव भी लेनी थी उस, और फिर लीव लेकर यहाँ पर वहाँ जाने के लिए प्रबंध भी करना था सारे यात्रा का, तो वो सब भी करने के लिए वो सब कर करा के मैं 7 अक्टूबर 1977 को थाई धरा पर था। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो वो स्थिति ये थी कि उन दोनों में इमरजेंसी वहाँ पर लगी हुई थी, तो वहाँ कर्फ्यू की स्थिति थी, तो हमारी कुछ फ्लाइट लेट भी हो गई थी। तो जैसे ही मैं इमिग्रेशन से बाहर निकला तो एक व्यक्ति वहाँ आया, वो एम्बेसी का ही था, उसने एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। उस लिफाफे में जिस होटल में हमारी व्यवस्था थी उसका नाम और पता दिया हुआ था, और कुछ थाई मुद्रा थी उसमें, ये देखकर तुम चला गया। 5 बजे से पहले मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल नहीं सकता था, मैं वहाँ प्रतीक्षा करता रहा। 5 जैसे बजे मैंने वहाँ टैक्सी की, और उसको टैक्सी के ड्राइवर को वो मैंने जो कागज था जिस पर नाम और पता था होटल का वो दिखा दिया उस, तो उसने कहा हाँ ठीक है, होटल साकुन, ये उसने कहा होटल साकुन। तो मैंने कहा पता नहीं क्या शब्द है ये। जब मैं वहाँ पर पहुँचा होटल में, तो वहाँ जो साकुन था उसमें रोमन अक्षरों में लिखा हुआ था SAKOL, तो उस तो मैंने कहा अच्छा ये तो सकोल सकल शब्द है, ये संस्कृत का सकल शब्द है, जिसको ये वहाँ जो ल है उसको अंतिम को न की तरह से उच्चारित करते हैं थाईलैंड में, ये थाई फोनोलॉजी जिसको अब तो मुझे आ गई सब, तो इसलिए मैं कोई भी थाई जो शब्द है जो संस्कृत मूल का है तो उसके संस्कृत मूल तक मैं पहुँच जाता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि इसमें ये मूल रहा होगा, इसका इस तरह से उच्चारण हो रहा है, तो सकल शब्द है। ये मेरा प्रारंभिक यानी पाठ था, फर्स्ट लेसन, पहला शब्द, और कि थाई में कितने संस्कृत शब्द हो सकते हैं जी। और संस्कृत मूलक शब्दावली वहाँ कितनी है। तो फिर वहाँ मैं ये लगभग ये 6 बजे के लगभग मैंने या 6:30 का समय होगा तो होटल में चेक इन किया और कपड़े बदले। मैंने कहा मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, पूरी रात मेरी जी जागते हुए बीती है, तो लेट मी कैच अप विद स्लीप। तो मैं जैसे ही सोने के बाद तो टेलीफोन की घंटी बज उठी है और वहाँ ये आवाज़ आई कि आई एम विशुद्ध बुसुकुल। वो वहाँ उस समय चलवंग यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न लैंग्वेजेस थे और संस्कृत विभाग के इंचार्ज वही थे। तो कह लिए प्रोफेसर आई एम वेटिंग फॉर यू डाउन स्टेयर्स, सो वी विल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर एंड देन वी विल डिस्कस यू नो मेनी थिंग्स। मैंने फिर वही कपड़े पहने पहन करके मैं नीचे पहुँचा, वो प्रतीक्षा कर रहे थे। एक साथ फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और तब उन्होंने मुझे बताया बातचीत में कि वहाँ मुझे महाराज कुमारी को पढ़ाना है, यहाँ ये नियति होती है, पता नहीं कि ये सब जब नियुक्ति हुई तब नहीं पता, राजकुमारी को पढ़ाना है तब तक ये नहीं पता था मुझे। ये सुनकर उस समय ये सब चीज़ें होती जाती हैं, इसीलिए मैंने इसका शीर्षक दिया है भवितव्या नाम द्वारा नि भवंति सर्वत्र, अपने आत्मकथा का जो जो होना है वो होता रहता है। तो फिर वहाँ उन्होंने अपना टाइम टेबल भी डिस्कस किया और भी बहुत सी बातें की, फिर वो चले गए। उसके बाद मैंने तो विश्राम किया, उसके बाद अगले ही दिन से कक्षा थी मैं विश्वविद्यालय में गया। राजकुमारी विश्वविद्यालय में पढ़ने आती थी, मैं पैलेस में नहीं जाता था, जो यूनिवर्सिटी का सेनेट हॉल था तो उतनी देर तक के लिए जब तक राजकुमारी वहाँ पढ़ती थी क्लासरूम के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता था, एक टेम्पररी एक ब्लैक बोर्ड वहाँ पर रख दिया जाता था, एक डस्टर वहाँ रहता था।
इस और एक व्यक्ति वहाँ पर पैलेस से आता था वो टेप रिकॉर्डर अपने यहाँ साथ में लेकर के, तो जो भी मैं पढ़ाता था जो मैं बोलता था सब टेप हो जाता था, राजकुमारी बाद में उसको सुनती थी क्योंकि हो सकता मेरा उच्चारण वो क्योंकि मैं भारतीय तो इसलिए वो उसको प्रॉपरली कैच कर पाए ना कर पाए, फिर उसको बार बार करके सुन लेती। इस तरह से करता राजकुमारी के अंदर ये संस्कृत का बीज रोपण कैसे हुआ? वो इसलिए उनके परिवार में संस्कृत थी। अच्छा। किंग रामा द सिक्स तो वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। अच्छा। उन्होंने ये अब जो थाईलैंड में बहुत से जो शहरों के नाम है आप जो संस्कृत के या संस्कृत मूल के आप देख रहे हैं वो सब उन्हीं के देख रहे हैं। अच्छा। उन्होंने श्री हर्ष की नाटिका रत्नावली का भी अनुवाद किया था, तो रामायण महाभारत के कुछ प्रसंग है उनका भी थाई भाषा में अनुवाद किया था, और वहाँ की जो राम कथा है जिसको राम क्यों कहते हैं उसका स्रोत क्या है ये उन्होंने तलाश करने का प्रयास किया था। तो उनका बहुत बड़ा एक संस्कृत पुस्तकों का संग्रह था जो उन्होंने बाद में नेशनल लाइब्रेरी को दे दिया। ये एक बीज था, इस बीज ने आगे जाकर के पल्लवित पुष्पित होना था। जो हमारी ये क्वीन मदर ये इनकी माता जी श्रीन थोर की ये जो हमारे जो दिवंगत महाराज थे तो ये इनके एक भाई और थे इनके बड़े थे, तो असमय में ही उनका शरीर शांत हो गया था, तो वो जो राजमाता बहुत दुखी थी तो वो स्विट्जरलैंड में चले गए, वहाँ एक संस्कृत के विद्वान से उनका संपर्क हुआ, तो उनसे उन्होंने संस्कृत सीखी। तो और संस्कृत का उन्होंने अभ्यास किया। मैंने अपनी आत्मकथा लिखी है संस्कृत में दो भागों में प्रकाशित, तो उसमें मैंने उनके फोटोकॉपी दी है उनके अपने हाथ में से जो उन्होंने देवनागरी में लिखा है। अच्छा। जो धातु रूप नाम रूप तो वो आप इसमें देख सकती हैं कहीं कहीं होगा तो ये है कहीं मैंने दिया है उसको फोटोकॉपी मैंने दी। उसमें होगा कदाचित इस सेकंड वॉल्यूम में इसमें ये। अच्छा। ये मूल ये है ये क्वीन मदर है और ये उनके अपने हाथ से लिखे हुए ये देखिए हम देवनागरी में लिखे हुए ये सारे तो परिवार में संस्कृत तो थी ही किसी भी रूप में तो अनुवंशिक थी तो अनुवंशिक होने से राजकुमारी की संस्कृत में रुचि हुई पाली भी सीखी संस्कृत सीखी। अच्छा उनको संस्कृत का ज्ञान हो गया। जी का भी लेखन कार्य कुछ हुआ है उन्होंने भी कुछ नहीं संस्कृत में लिखा नहीं बोला लिखा नहीं है लेकिन संस्कृत का बोध उन्हें बहुत है। ये 1987 के बाद है वो भारत में पहली बार जब आई थी तो 19 दिन वो रही थी तो लगातार उन्हें 19 दिन में उनके साथ में था। जब यात्रा समाप्त होने लगी तो यहाँ जब थी तो बहुत से प्रदेशों में वो गई और वो मेरा उड़ीसा से संबंध रहा मैं वहाँ कुलपति भी था तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा कि योर रॉयल हाइनेस आपने बहुत जगह यहाँ की देखी लेकिन अगली बार जब आप आएँ तो यहाँ तो उड़ीसा में भी आप अवश्य जाएं क्योंकि मैंने कहा कि वहाँ कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है वो उसका नाम है उत्कल है उत्कल है उत्कृष्ट कला है तो कला आर्ट है। तब उनकी टिप्पणी थी द वर्ल्ड ऑल्सो मीन्स द डिजिट कला चंद्रमा की कला जी। तो उनकी इस
उगते समय चमत्कृत हुआ। मैंने कहा कि ये कितना गुड़ ज्ञान है। हमारे यहाँ पे विद्यार्थी कहेंगे तो ये एकदम से ये नहीं कहेंगे हाँ कला का ये अर्थ भी है, लेकिन वो बस तो इट ऑल्सो मीन्स ए डिजिट। मैंने कहा यस इट डज बट हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्कल इट मीन्स द आर्ट, कला में उत्कृष्ट, इसलिए उसको उत्कल कहा जाता था। ये तो इस तरह का है, बहुत ज्ञान है, बहुत बोध है, संस्कृत प्रति रुचि है, लगन लगा। जैसे आपने रामास सिक्स की बात की कि उनके समय से संस्कृत का प्रचार प्रसार और इसकी व्यापकता देखी जा सकती है, तो हम मानेंगे थाईलैंड और जो भारत के साहित्य के रूप में जो संबंध है वो लगभग कितने वर्ष पुराने हों? बहुत पुराने, बहुत पुराने संबंध, बहुत पुराने। अभी ये आपकी जो आत्मकथा है भविद्यानाम द्वारा भवन्ति सर्वत्र, ये दो भागों में है। अभी तीसरा भाग भी मुद्रण यंत्रस्थ है जी, अभी प्रेस में है। अच्छा, ये मिलाकर के 650 पृष्ठ हो जाते हैं और वो 350 या 400 पृष्ठ का वो भी ग्रंथ होगा, कि वो भाग तीसरा भाग भी होगा। तो तीनों भाग मिला करके ये आत्मकथा 1000 पृष्ठों की होगी। पहली है ये विधा ही संस्कृत में पहली बार पहली। अच्छा, इस विधा में संस्कृत में कोई रचना नहीं हुई अब तक, ये पहली रचना। और आपको संस्कृत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत का आपको ही मिला जी, ये बहुत बड़ा 2009 की बात है जी। ये तो ये थाईलैंड की आपने अभी चर्चा की, थाईलैंड के अलावा और किन देशों में आपका कैसा अनुभव रहा अध्यापन? मैंने बहुत जगह गया आया और अनेक जगह अध्यापन भी किया। बेल्जियम में भी मैंने पढ़ाया, वहाँ एक कैथोलिक यूनिवर्सिटी है तो वहाँ एक संस्कृत का विभाग है, तो वहाँ मैंने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग ये किया कि मैंने जो भी पढ़ाना था वहाँ मुझे नाटक पढ़ाने के लिए दिया गया था, तो उसको मैंने अभिनय के साथ पढ़ाया, तो जैसे कि विद्यार्थियों में संस्कृत के प्रति रुचि जगे और मुझे बहुत सफलता मिली। मेरी कक्षा में एक छात्रा थी तो वो मेरे अभिनय को बहुत सूक्ष्मता से देखती थी, वो अन्य छात्र छात्राओं से पृथक दिखती थी, तो मैंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, तो मुझे पता चला कि वह बेल्जियम की एक मूर्धन्य नृत्यांगना है। अब संस्कृत के प्रति उसकी रुचि जगी हो मेरी कक्षा में आती। ये तो अभी विदेश में जो संस्कृत का अध्यापन और जो संस्कृत की विधाओं में कार्य हुआ, अगर हम अभी अपने भारतवर्ष में संस्कृत के बारे में बात करें तो हमारा भारत स्वर एक विश्व पटल पर विश्व गुरु रहा है और निश्चित तौर पर भाषा उसमें एक प्रमुख योगदान देते और संस्कृत हमारी भाषा रही है अभिजात वर्ग की, जनमानस की। लेकिन ये आबाद ये विलुप्त प्राय है, तो संस्कृत और संस्कृति दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, तो संस्कृति विलुप्त हो रही है तो भाषा का भी विलोपन का, तो इसमें आपका क्या कहना है, इसको कैसे वापस लाने की क्या प्रक्रिया की जा सकती है, किस स्तर पर इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में मिशन के रूप में कि फिर से पुराना वही हमारा जो स्वर्ण युग था वो वापस आए संस्कृत। द्वितीय संस्कृत आयोग का अध्यक्ष भी रहा, तो मैंने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तो उसमें भी मैंने बहुत से सुझाव दिए हैं कि किस तरह से संस्कृत को लोकप्रिय बनाया जा सकता है और आज के संदर्भ में उसकी उपयोगिता को सिद्ध किया जा सकता है। देखिए, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो किसी प्रदेश की नहीं है पर संपूर्ण देश की है, तो जो उसकी विशेषता है उसको तो हम रेखांकित करते नहीं हैं। हर प्रदेश की भाषा में संस्कृत के शब्द मिलेंगे आपको, कहीं तत्सम रूप में, कभी कहीं तद्भव रूप में,
दक्षिण भारत की कितनी भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, किसी में 40%, किसी में 50%, किसी में 70% शब्द संस्कृत में हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था इसमें कैसे संस्कृत को एक विशेष स्थान दिलाया जाता है? मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहली आवश्यकता है कि आज की पीढ़ी को संस्कृत के महत्व को बतलाने की। लोग जानते नहीं हैं हमारे पास क्या निधि है जी। जब तक तो उसके बारे में जानकारी नहीं हुआ, हमने इस कमरे में है सोना भर कर रखा हुआ, आपको पता ही नहीं, आप फिर भी दरिद्र बने हुए। सही बात है, वही स्थिति है हमारी संस्कृति की। इतना बड़ा विशाल वांग्मय, जब कि क्या क्या इस हमारे वांग्मय के साथ नहीं हुआ। सहस्रों पांडुलिपियां जला दी गई, नष्ट कर दी गई, तब भी जो बचा है वो लाखों में है। तो कितना बड़ा हमारा वांग्मय है, कितनी विधाओं में और कितने विषयों पर इसमें लिखा गया, दर्शन भी इसमें है, शास्त्र भी इसमें है जी। और विज्ञान भी इसमें है, आयुर्वेद भी इसमें है, कोश भी इसमें है जी। क्या नहीं है संस्कृत में? इसको नई पीढ़ी को संस्कृत से जोड़ने के लिए क्या इसके कुछ अध्यापन शैली में कुछ बदलाव लाने की लोग प्रयोग कर रहे हैं? अनेक संस्थाएं जो है वो इसमें प्रयासरत हैं संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए। वो सरल संस्कृत पाठ्यक्रम भी उन्होंने तैयार किए हैं और संभाषण शिविर भी वो लोग लगाते हैं जी। तो प्रयास तो इस दिशा में हो रहा है, बहुत से लोग सीख भी रहे हैं जी। जो भिन्न अन्य विषयों के जो लोग हैं वो भी संस्कृत की ओर उन्मुख हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है कि संस्कृत वो बिल्कुल दयनीय है। अभी भी लाखों की संख्या में लोग संस्कृत को पढ़ते हैं और संस्कृत में लिखते हैं। जो नया संस्कृत वंग में लिखा जा रहा है वो किसी भी भारतीय आधुनिक भारतीय भाषा के वंग में से परिमाण में कम नहीं है जी। ये अपने में बड़े स्वस्थ लक्षण। और भी इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। वो ये है कि जो हमारे संस्कृत के अध्यापक हैं, देखिए उनका भी एक दायित्व तो बनता है। सरकार तो अपने ढंग से काम कर ही रही है, वो तो एक आर्थिक आपको सहयोग दे देगी, नीतियाँ, और शेष काम तो है वो तो संस्कृतज्ञों को ही करना है। अगर हम लोग ऐसा प्रयास करें कि जो हमारे में से जो संस्कृत के अध्यापक हैं वो अध्यापन को एक मात्र वृत्ति का साधन न मान करके एक मिशन के रूप में लें तो संस्कृत का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होगा। जैसे संध्या के समय वो एक निःशुल्क कक्षाएं लगाएं हमारे समुदाय केंद्रों में और अन्य अन्य स्थानों पर, तो बहुत लोग आ जाएंगे संस्कृत सीखने। जैसे अभी योग, बहुत से लोग हैं वो धार्मिक वृत्ति से प्रवृत्त होकर के भी आ जाएंगे। जैसे अभी योग का निःशुल्क कक्षाएं होती हैं, लोगों में जागृति बढ़ी है, जागृति बढ़ेगी, बताएंगे उनको आप पढ़ाइए संस्कृत में। बहुत से लोग रिटायर्ड लोग हैं और हैं तो उनके मन में इच्छा भी है संस्कृत को, गीता पढ़ना चाहता है, कोई भागवत पढ़ना चाहता है, कोई और पुराण पढ़ना चाहता है, तो उनको ये अवसर मिलेगा संस्कृत जानने का, सीखने का। तो बहुत से लोग और बहुत से ऐसे हैं जो कि अलग अलग व्यवसायों में हैं, उनके अलग अलग ऑक्यूपेशन है जीविका के लिए, लेकिन वो भी संस्कृत की ओर उन्मुख होंगे और हुए हैं लोग। केवल अब इसको एक अभियान की तरह से इसको लेना होगा जी। और वो हम संस्कृत के जानकार ही कर सकते हैं। ये माने कि ठीक हमारा देखो जीविका के लिए तो हर एक आदमी प्रयास करता ही है जी। जो रोटी कपड़ा मकान जिसको कहते हैं संस्कृत, तो आजीविका का आजीविका की बात अगर हम करें तो संस्कृत आजीविका के रूप में कैसे साबित होगी? आजीविका के लिए देखें संस्कृत में तो पहली बात तो ये है कि संस्कृत भारतीय भाषाओं को सिखाने पढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी। बिना संस्कृत के ज्ञान के कोई भी भारतीय भाषा के साथ न्याय नहीं कर सकता।
अपूर्ण है। कोई आदमी ये कहे कि मैं कामायनी नहीं की व्याख्या कर दूंगा बिना संस्कृत जाने के, या दीप शिखा को समझा सकता हूँ, संभव ही नहीं। वो तो संस्कृत तो भरी पड़ी है। तो अब जैसे आज का समय जो शिक्षा व्यवस्था है, तो उसमें तकनीकी विषयों की प्रधानता है। तो मैंने ये सुझाव दिया था जी, अन्य स्थानों पर भी दिया है, न केवल प्रतिवेदन में हमारे आयोग के, अन्यत्र भी मैंने कहा है कि जो हमारे जो वैज्ञानिक शिक्षण संस्थाएं हैं, IITs हैं और या साइंस डिपार्टमेंट्स हैं हमारे विश्वविद्यालयों में, उनमें एक संस्कृत का विद्वान होना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए। जैसे हिंदी अधिकारी होते हैं हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, साइंस डिपार्टमेंट में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जुआलॉजी जो भी इतने भी हैं, तो उसमें एक संस्कृत का विद्वान नियुक्त करना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि जो हमारा जो ज्ञान है प्राचीन ग्रंथों में हमारे सुरक्षित है, उसकी जानकारी जो है हमारे आज के वैज्ञानिकों को नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत जानते नहीं। वो हमारा सारा जो ज्ञान है वो संस्कृत में है, और जो संस्कृत के जो विद्वान है वो उनको विज्ञान का ज्ञान नहीं है। तो ऐसा यदि दोनों का समन्वय हो जाए कि संस्कृत और विज्ञान दोनों को मिले, तो हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो अपने जो प्राचीन हमारा विज्ञान है उसको भी जान पाएंगे, और उससे बहुत उनको ज्ञान मिलेगा, नया ज्ञान मिलेगा। हमारे प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने अपनी रितंभरा प्रज्ञा से उन तत्वों का साक्षात कर लिया था, जो आज बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान शालाओं या प्रयोगशालाओं के माध्यम से करते हैं। शल्य चिकित्सा हो या शून्य का आविष्कार, सब हमारे भारतवर्ष की ही देन है। अगर उस आधुनिक तो क्यों नहीं हो सकता। यहाँ तक है कि जब हमारे यहाँ कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, और आज भी जो है वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ऐसे अनेक ग्रह उपग्रह हैं, ऐसे अनेक अनेक सूर्य हैं जिनके किरण जो है वो अभी तक भूलोक तक नहीं पहुंची। सारे जो विशाल जो हमारा ऐसे ज्ञान रहा हमारा प्राचीन ऋषियों का, अभी एस्ट्रोनॉमी में ही आप देख लीजिए कि ग्रहों की गति जो है, एक आज तो वैज्ञानिकों के पास सारे साधन हैं, वो यहाँ बैठे वो उनके पास क्या था, देख करके कैसे सारा समझ गए, एक एक जो क्षण तक का जो है उसमें सारा कैलकुलेशन जो भी किया हुआ है, वो यानी इतना चमत्कारक है थी, देख करके आश्चर्य होता है। समय बता देते थे, हाँ सब बताते बता थे, सिर्फ ऊपर सूर्य गति और चंद्र गति से देख करके जो है सारा। तो ये एक एक चीज के ग्रहों के मूवमेंट जो है सारी। संस्कृत तो मुझे लगता है कंप्यूटर के लिए सबसे उचित और सबसे उचित सही भाषा है। तो और हर क्षेत्र में से आप जाकर के देखिए, गणित में देख लीजिए। तो जैसे जो नई पीढ़ी है, क्योंकि जो बाल्यकाल जो 4 से 5 साल का जो समय होता है वो सब सर्वश्रेष्ठ समय होता है किसी भी ज्ञान को आत्मसात करने के लिए और उसको स्मृति में उसको स्टैब्लिश करने के लिए। तो नई पीढ़ी के बच्चों में अगर मैं बात करूँ, विदेश में इतनी बड़ी संख्या में हमारे भारतीय रहते हैं, तो उसके लिए वैज्ञानिक रूप से उनको संस्कृत का कैसे हमारे शिक्षक जो हैं वहाँ विदेशों में तो जाएं, अपने देश में भी जो हमारी संस्कृत की शिक्षा है बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ हो जानी चाहिए। अर्ली स्टेज में ही संस्कृत बच्चों को पढ़ानी चाहिए। मेरा आपसे तो व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप कुछ एक ऐसी पुस्तक लिखें जिसमें एक ऐसा वाङ्मय हो कि जिसमें बच्चों के लिए एक प्रारंभिक जो संस्कृत का परिचयात्मक जो स्वरूप है, और कम से कम उनको बेसिक इतना ज्ञान हो जाना चाहिए बच्चों को। हाँ। स्कूल की स्टेज में जो है संस्कृत वो पढ़े। हाँ। और यानी एक जो केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें कि क्लास 1 से संस्कृत पढ़ाई जाती है। अच्छा, 100% साक्षरता सरकारी स्कूलों में। अच्छा। सरकार व्यवस्था करती है अध्यापक को।
अगर वो केरल में ये हो सकता है तो और दूसरे राज्य हिंदी भाषी राज्य या दूसरे प्रदेशों में अन्य अन्य भाषाएं जहाँ पढ़ाई जाती है उनमें क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, अभी पिछले कुछ विगत वर्षों में गुरुकुल प्रथा का प्रारंभ होना शुरू हुआ है, जैसे हमारे पतंजलि और भी उसमें पहले हमारी सदियों पुरानी परंपरा रही है गुरुकुल की, बीच बीच में जब शासन काल ऐसा आया उसमें विलुप्त हो गए, तो अब इस क्या आप इसमें कैसा भविष्य देखते हैं जो आता? नहीं, वो ठीक है, दोनों प्रकार की पद्धतियाँ जो हैं संस्कृत अध्ययन अध्यापन के लिए अपने देश में चल रही हैं, एक पारंपरिक भी एक आधुनिक भी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न जी, और दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है क्योंकि हम समय के साथ ही चलेंगे। और यदि दोनों का समन्वय हो जाए तो और भी अच्छा, स्वर्ण सुगंध संयोग हो जाएगा, सोने पर सुहागा। तो जहाँ तक हो सके जो हमारे विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं उनमें ऐसे विद्वानों को नियुक्त की जाए दोनों जिन्हें जिनका अध्ययन दोनों पद्धतियों से हुआ हो, आचार्य भी किया हो साथ में एमए भी किया हो, बस उससे अच्छा इससे ये होगा कि दोनों पद्धतियों को प्रश्रय मिलेगा। प्राचीन पद्धति का भी उन विद्वानों को ज्ञान होगा और प्राचीन पद्धति का भी होगा, आधुनिक पद्धति का भी होगा, उससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। और सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि ये बताना कि भारतीय भाषाओं में कितनी संस्कृत है, बस एक दब पासा पर जाएगा। We would have achieved something which we cannot even dream of now. पता चल जाएगा हम कितनी संस्कृत बोल रहे हैं। संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा क्यों, इसको जब हमारा इतना पुराना इतिहास रहा है चिरकाल से, तो संस्कृत को जन राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कोई ये प्रयास था हमारे जब संविधान के निर्माताओं के समय में बात आई थी कि संस्कृत राष्ट्रभाषा बनाया जाए। हमारे जो श्रद्धेय अम्बेडकर जी हैं उन वो इसके प्रबल समर्थक थे। अच्छा, हाँ क्या ऐसा आया हुआ कि उस समय की बात अलग थी, कुछ अलग संविधान के निर्माताओं में कुछ मतभेद था। मेरे कैलाशनाथ काठजू और संपूर्णानंद जी ये सब लोग संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल समर्थक थे, लेकिन नहीं हो पाया। अगर वो हमने समय खो दिया, यदि हमने संस्कृत को बना दिया होता किसी तरह से, तो आज ये जो विरोध हो रहा है यानी हिंदी का, वो विरोध दक्षिण में है बीच में, तो वो विरोध होता ही नहीं क्योंकि संस्कृत जो है वो एक सभी भाषाओं में पाई जाती है। और दूसरा बात यह कि सभी को बराबर बराबर परिश्रम करना पड़ता। अब जब हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया तो एक दृष्टि से देखा जाए तो हमने एकांगी हो गए ना, जो ये हिंदी भाषी क्षेत्र है उन वहाँ के लोगों की तो भाषा ही हिंदी है, दक्षिण के लोगों को ये सीखनी पड़ती, अंतर आ गया। उसमें ये कि परसेंटेज कम ज्यादा है, अब ये है कि संस्कृत उत्तर भारत के लोगों को भी सीखनी पड़ती, पूर्व भारत के लोगों को भी सीखनी पड़ती, दक्षिण भारत के लोगों को। आज इसका कुछ अलग ही स्वरूप होता, अगर उस समय स्वीकार्यता हो जाती तो आज अलग ही इसका। ये तो बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन अभी प्रयास हम कर सकते हैं। और कोई यानी संस्कृत के अंदर ऐसे बीज हैं कि ये फिर कभी कभी ये भाषा जो है वो अधर में चले जाती तो फिर जाना। तो ये जो अभी समाज में सांस्कृतिक गिरावट है और जो मूल्यों का ह्रास है, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत आएगी अपने वो संस्कृत ने कवि पाली का प्रभाव होता, कभी प्राकृत का प्रभाव हुआ, फिर संस्कृत उभर के आई, ये तो बार बार आती है। जैसे मूर्धन्य मनीषी विद्वान हमारे देश में अपने ज्ञान की गंगा बहाते रहेंगे, निश्चित तौर पर हमारा जो भारतवर्ष है वो भाषा के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, सभ्यता के स्तर पर, विश्व पटल पर अपना परचम फैलाता रहेगा। और जो विश्व गुरु जो कहलाता था पुनः उसी स्थान को वो प्राप्त करेगा। प्रोफेसर शास्त्री,
आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। और हिंदी मुझे भी बहुत आनंद हुआ ये सब चर्चा के कारण, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो श्रोता जिन्होंने ये चर्चा सुनी होगी वो इसे लाभान्वित होंगे और संस्कृत के प्रति वो उन्मुख होंगे। जी, आप चलते चलते दो लाइन का जो हमारे 20 करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप उनके लिए संस्कृत के लिए विशेष संदेश की उनमें एक आपका संदेश उनके लिए शिरोधार्य होगा, तो आप एक दो लाइन का संदेश को कैसे संस्कृत को अपने रोजमर्रा के जीवन में लाएं, ये आप एक संदेश अगर दें। वो उनके लिए कोई कठिन नहीं है, और केवल संस्कृत को भारत तक सीमित करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन का बहुत बड़ा कालखंड जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में बीता, और वहाँ की भाषाओं में भारी संख्या में संस्कृत शब्दावली है, तो संस्कृत न केवल भारत की है अभी तो संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया की है, वो सुदूर पूर्व की भी है, चीन जापान में भी वहाँ की भाषाओं में संस्कृत की शब्दावली है। मैं चीन में गया था, मैंने देखा संस्कृत के प्रति कितना उत्साह है वहाँ पर, तो संस्कृत का एक वैश्विक स्वरूप है, ब्रह्मांडीय स्वरूप है। वही बात है, जब हम आप जहाँ उसका उद्गम है जब वहाँ से उसको सम्मान और स्थान मिलेगा तब अन्यत्र सब मिलेगा, सब मिलेगा, इसलिए और हमें जो इसके लिए पूरे कटिबद्ध हो जाना चाहिए कि संस्कृत को अपना जो गौरवमय स्थान है वो दिलाना है, बिल्कुल हमारे में एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और यदि हमने ठान लिया तो फिर कोई कारण नहीं है कि संस्कृत का वही प्राचीन स्थान न प्राप्त हो जो कभी इसे प्राप्त हुआ था। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे जितने भी दर्शक और श्रोता हैं जो प्रोफेसर शास्त्री को भी इस समय देख और सुन रहे हैं वो संस्कृत के महत्व महात्म्य को जानेंगे, समझेंगे और उसको अपने जो रोजमर्रा के जीवन में उसको अपना हिस्सा बनाएंगे, ताकि संस्कृत पुनः अपना वो स्वर्णिम जो उसका काल था वो पुनः वापस आ सके और उसको अपना पूरा पूर्ण स्थान मिल सके। नमस्कार।